हर तरफ है पानी ही पानी, डूब गए हैं सैकड़ों मकान, सड़कों पर आ गया सैलाब, आखिर कब सुधरेंगे हालात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। मॉनसून के आते ही देश के कई हिस्सों में पानी आफत बन चुका था। यह पानी न जाने कितनी जिंदगियों के लिए काल बन चुका है और कितने ही लोगों की जिंदगी पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। हाल फिलहाल में दिल्ली और महाराष्ट्र से कई तस्वीरें सामने आई जिसमें पानी के सैलाब में घर के घर बह गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि कई टीमें दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में अब भी जुटी हैं। अब उत्तर प्रदेश से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रयागराज में नदियां उफान पर हैं, पानी ने ऐसा रौद्र रूप ले लिया कि क्या सड़कें और क्या घर, सब जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी की चपेट में आने से निचले इलाकों में तमाम मकान डूबने लगे हैं। वहीं तटीय इलाकों में रहने वाले तमाम घरों से लोगों ने पलायन भी शुरू कर दिया है। राजस्थान के धौलपुर बैराज से छोड़े गए पानी के दबाव के बीच बृहस्पतिवार को गंगा यमुना में उफान आ गया। गंगा और यमुना के तटबंधों की ओर बढ़ने से निचले स्तरों में बाढ़ आ गई। दर्जन भर से ज्यादा कछारी बस्तियों में पानी घुसने से लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। कोई छतों पर गृहस्थी पहुंचा रहा है तो रिश्तेदारों के घर कोई शरण ले रहा है और कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढने में लगा है। तटवर्ती बस्तियों में पानी घुसने से स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है। वहीं एक दिन पहले राजस्थान के धौलपुर बांध से छोड़े गए 17.81 लाख क्यूसेक अधिक पानी से भी अगले 48 घंटे के अंदर यहां पहुंचने का अनुमान है, जिससे बाढ़ का पानी और ज्यादा बढ़ सकता है। खतरे के निशान को पार कर शहर के कुछ हिस्सों और आवासीय कॉलोनियों में घुसने की आशंका जाहिर की जा रही थी। उधर प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य की दिशा में काम शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उनके लिए जीने से लेकर खाने तक का संकट पैदा हो गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।